सन्नाटे की भी एक अलग ही आवाज होती है, थोड़ी धीमी, थोड़ी डरावनी, थोड़ी थोड़ी अलग सी। ऐसे सन्नाटे में हमें अक्सर घबराहट होने लगती है, डर लगता है कहीं कोई काला साया न सामने आ जाए। भूत और चुड़ैल जिसके बारे में अब तक सिर्फ सुना था, कहीं वो सामने आकर खड़े ना हो जाएं। आज मैं इसी डर के आगे जीत के सफर पर आपको लेकर चलूंगी। आज हम और आप मिलकर एक अंधेरे कोने में रोशनी फैलाएंगे, एक ऐसी जगह जिसे लोग कहते हैं खूनी दरवाजा। देश की राजधानी दिल्ली का एक ऐसा दरवाजा जिस पर हिंदुस्तान के तीन शहजादों की बेरहमी से कत्ल कर देने की इबारत दर्ज है, तीन तीन लाशों पर बेइंतहा क्रूरता बरपाने की कहानी दर्ज है। उस दरवाजे के पास आज भी उन शहजादों की रूह भटकती है क्या? कई दौर में राजधानी रही दिल्ली का एक ऐसा दरवाजा जहां एक मुगल बादशाह के हाथ अपने ही भाई का सिर कलम कर देने की कहानी दर्ज है। भाई के सिर को सतह से 16 मीटर ऊपर गिद्ध और कौवों के लिए टांग देने का इतिहास दर्ज है। रियाया के सामने अपनी क्रूरता की कील ठोक देने का किस्सा दर्ज है। उस शहजादे की आत्मा आज भी दरवाजे की दहलीज पर बैठी मिलती है क्या? बादशाहत बदलने के साथ ही अपनी फितरत बदल देने वाला दिल्ली का एक ऐसा दरवाजा जिसमें एक क्रूर बादशाह के सेनापति की दो बेटों की लाश टांग देने की एक कहानी चस्पा है। उस दरवाजे पर आज भी जिन्नात का साया नजर आता है क्या? अगर नहीं तो उस दरवाजे के पास होने वाले अलग तरह के हादसों की वजह क्या है? उस इलाके में बने हॉस्टल्स में अजीबोगरीब घटनाएं घटने के दावे की हकीकत क्या है? आधी रात में दरवाजे के करीब किसी के भी टिक ना पाने के दावे की सच्चाई क्या है? इन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया दिल्ली के खूनी दरवाजे का, जो सदियों से राजधानी के भुताहा ठिकानों में शुमार है। आखिर लोगों को डर लगता क्यों है? डर लगने के पीछे की वजह क्या है? इस राज की पड़ताल करने के लिए मैं आ चुका हूं ऐतिहासिक खूनी दरवाजे पर। मेरे ठीक पीछे खूनी दरवाजा है और इसके दोनों तरफ दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी है। इस चहल पहल के बावजूद भी आखिर खूनी दरवाजे पर आने से लोगों को डर क्यों लगता है? किन वजहों ने खूनी दरवाजे को दिल्ली का सबसे हॉन्टेड प्लेस बना दिया? इस राज की आज हम पड़ताल करेंगे। दिल्ली का एक दरवाजा जिसके नाम पर ही खून के छींटे बिखरे मिलते हैं, एक ऐसा दरवाजा जिसकी दहलीज पर दिल्ली का इतिहास पसरा मिलता है, जिस दरवाजे से अनगिनत खौफनाक कहानियां जुड़ी मिलती हैं। उस दरवाजे का अपना कोई इतिहास नहीं मिलता। ये तो वाकई कमाल हो गया। इतिहासकार कहते हैं कि जब दिल्ली में शेरशाह सूरी का साम्राज्य हुआ करता था, तब भी दिल्ली में एक दरवाजा सीना ताने खड़ा था, जिसका नाम हुआ करता था काबुली दरवाजा। इस दरवाजे की बनावट की बात की जाए तो ये करीब 16 मीटर ऊंचा है और तीन परतों में ये पूरी तरह से विभाजित है। क्वार्टाइज के पत्थरों से ये बना है और आज भी इतने सालों के बावजूद ये बेहद खूबसूरत और आकर्षक लगता है, क्योंकि इसकी नक्काशी आप देखिए जिस हिसाब से उस जमाने में इसका इस्तेमाल वॉच टावर की तरह किया जाता था, अंग्रेजों का जमाना हो मुगल काल का हो, इसे बनवाया था शेरशाह सूरी के जमाने में इसको बनवाया गया था और अफगानी भी इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे। यानी कि चाहे अंग्रेजों का जमाना हो, मुगल काल का दौर हो या फिर भारत के विभाजन का जमाना हो, इतिहास, भारत का इतिहास इस दरवाजे से होकर के गुजरा है और तमाम कत्लेआम इन रास्तों पर हुए और यही वजह है कि यहाँ पर जो लोग हैं आने से कतराते हैं और इसी वजह ने इसे हॉन्टेड प्लेस बना दिया है। यहाँ पर अभी की बात की जाए तो इतने 100 सालों के बाद भी ये आज भी खूबसूरत लगता है। क्वार्टाइज के पत्थरों से ये पूरी तरह से निर्मित है। अगर वक्त पर गौर करें तो वो साल रहा होगा 1540 के आसपास का। असद बेग, दक्षिण के क्या हाल है? हुजूर, जब शेर शाह सूरी हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा होगा और उसकी राजधानी यानी दिल्ली के पुराने किले में इसी दरवाजे से दाखिल होते रहे होंगे अफगानी व्यापारी,
कहते हैं कि खास तौर पर बादाम, अखरोट और काबुली घोड़ों का व्यापार करने वाले उन अफगानियों को काबुली वाला कहा जाता था, और उन्हीं के नाम पर इस दरवाजे का नाम भी पड़ गया, काबुली दरवाजा। जिस दरवाजे को इतिहास ने खूनी बना दिया, मुतहा बना दिया। यहाँ पे मैंने सुना कि 11 बजे के बाद यहाँ पे ऑटो उलट जाते हैं या रिक्शा उलट जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे नेगेटिव वाइब्स या एनर्जी यहाँ पे। हाँ, बट मुझे आज सच यहाँ पे आके खुद ऐसा महसूस नहीं हुआ। फिलहाल अभी दिन का वक्त है। हाँ जी, बट उनकी बातें सुन के एक बार जरूर लगा था कि शायद कुछ ऐसा हो। इतिहास में इस काबुली दरवाजे का नाम कब लाल दरवाजा पड़ गया होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन हिंदुस्तान के तख्त पर जहांगीर के बैठने के साथ ही इस दरवाजे को कहा जाने लगा खूनी दरवाजा। साल 1605 में जहांगीर हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा और उसने बैरम खां के दो पोतों की लाश खूनी दरवाजे पर लटका दी। बादशाहत की इसी जंग ने इस दरवाजे को मनहूस बना डाला। दावा किया जाता है कि वो मनहूसियत आज खूनी दरवाजे पर तारी है, और वो मनहूसियत इस दरवाजे के पास सड़क हादसे बनकर लौटती है। आपने इस खूनी दरवाजे के बारे में जो कुछ सुना हो वो हमको बताइए। अक्सर मैंने यहाँ देखा है कि इसके पास सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:30 and 5:30 के बीच में एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ से लेकर के दिल्ली गेट का जो चौराया है, और मेरे ख्याल में हर साल में 10 से लेकर के 20 तक एक्सीडेंट होते हैं। तो क्या वाकई खून से लिपटी खूनी दरवाजे के इतिहास ने ही इस दरवाजे को मनहूस बना डाला? क्या वाकई आंखों पर सदियों से चस्पा होती आई क्रूरता ने इसे हॉन्टेड बना डाला? आखिर वो कौन सा खौफनाक इतिहास है जो इस दहलीज से होकर गुजरा है? आखिर वो कौन सी क्रूरता है जिसने ये दहलीज लांघी है? हादसे कहां नहीं होते, लेकिन लोग कहते हैं कि खूनी दरवाजे के पास होने वाले हादसे कुछ अलग ही होते हैं। चलते चलते ऑटो पलट जाती है, कार टकरा जाती है। ऐसे हादसों के बाद हर बार लोगों को एक खौफनाक तारीख याद आती है, वो तारीख जब 3 शहजादों के खून से खूनी दरवाजा लाल हो गया था। तब दिल्ली में बादल बरस कर थम चुके थे, चिलचिलाती गर्मी ने उमस की जगह ले ली थी, हवाएं शांत हो चली थी और देश की राजधानी दिल्ली मरघट में तब्दील हो चली थी। वो साल था 1857 की पहली जंगे आजादी का साल, जब आजादी के दीवाने सीना तान कर अंग्रेजों से लड़े थे, लेकिन फूट और गद्दारी के आगे वो हार गए। इस जंगे आजादी में हिंदुस्तान हार गया, अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया, और तब दिल्ली की इसी सड़क पर अंग्रेजों का काबिला निकला था बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने। हम तुम पर मुकदमा चलाएगा। भीतरघात और देशद्रोह से जर्जर बादशाह को अंग्रेजों को सरेंडर करना पड़ा। क्या तुम ये नहीं जानते कि हम पूरे हिंदुस्तान के बादशाह हैं? और उसके सरेंडर की तारीख इस खूनी दरवाजे की सबसे मनहूस तारीख बन गई। तब ऐसी चमचमाती सड़कें नहीं रही होंगी, गाड़ियों का काफिला ऐसे भागता नहीं रहा होगा, लेकिन तब भी खूनी दरवाजा यहीं पर मौजूद था। खूनी दरवाजे का इतिहास यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है। कैप्टन हटसन यानी कि अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर के बेटे और पोतों को इसी जगह पर रिवॉल्वर से मार दिया था, जिसको हम साफ तौर पर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कैप्टन हटसन ने मिर्जा मुगल, खिज सुल्तान, मिर्जा अबू बकर 3 राजकुमारों को हुमायूं के मकबरे पर 22 सितंबर 1857 को हिरासत में लिया और एक बैलगाड़ी में दिल्ली में भेज दिया। कैप्टन हटसन उनके पीछे आए और इस स्थान पर उन्हें मिले। चारों ओर बहुत भीड़ थी। इस भय से कि भीड़ कहीं राजकुमारों को मुक्त ना करवा दे, कैप्टन हटसन ने उनके ऊपरी वस्त्र उतरवा लिए और एक एक करके तीनों को गोली मार दी। तब से ये बताया जाता है कि उन राजकुमारों का साया यहीं पर मंडराता रहता है। अंग्रेजी फौज की 1857 की वो तारीख थी 22 सितंबर।
जब दिल्ली के हुमायूं टॉम्ब पर गदर का उपसंहार लिखा जा रहा था। सुबह 8 बजे अंग्रेजी फौज का कमांडर हुडसन 100 घुड़सवारों के साथ हुमायूं के मकबरे में छिपे बादशाह और शहजादों को गिरफ्तार करने पहुंचा। विलियम डेल रिम्पल की किताब आखिरी मुगल के मुताबिक इलाही बख्श ने तस्दीक कर दी थी कि बगावत के जमाने में मुगल फौज का नेतृत्व करने वाले तीनों शहजादे हुमायूं के मकबरे में मौजूद है। हालांकि उसने ऐसा करके खुद अपने नवासे अबू बकर के साथ गद्दारी की थी और बाद में उसे खुद अंग्रेजों ने भी दिल्ली का गद्दार कहा। यही गद्दारी मिर्जा मुगल, खिजर सुल्तान और अबू बकर की जिंदगी पर भारी पड़ी। तीनों को अंग्रेजी फौज के आगे सरेंडर करना पड़ा और वापस लाल किले लौटते समय हुडसन ने इसी खूनी दरवाजे के पास तीनों को रथ से उतरवा कर उनके कपड़े उतरवाए और फिर एक कॉल्ट रिवॉल्वर निकालकर तीनों को गोली मार दी, बिल्कुल करीब से, बेहद क्रूरता से, एक के बाद एक। कुछ लोग कहते हैं कि कैप्टन विलियम हडसन ने झूठ बोला था कि बहादुर शाह जफर के बेटों को बचाने के लिए इलाके के लोगों ने उसे घेर रखा था, जबकि हकीकत यह है कि उस वक्त आंदोलन समाप्त हो चुका था। मेरे ठीक पीछे जो पुरानी दिल्ली है वही अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी। वहां ना कोई विद्रोही सिपाही मौजूद था, ना ही शाही सिपाही। पुरानी दिल्ली को लूटा जा रहा था, बार बार लूटा जा रहा था, हर तरफ कत्लेआम हो रहा था, तो फिर आखिर हडसन को डर किस बात का था? उस वक्त के हालात बताते हैं कि तब इस दरियागंज इलाके में ना बादशाह था ना बादशाह के हुडसन ने अपने रिपोर्ट में कहा कि उसे एक उन्मादी भीड़ ने घेर रखा था, इसीलिए उसे शहजादों को गोली मारनी पड़ी ताकि उसे भीड़ छुड़ा ना ले जाए। इतिहास चाहे कितना भी काला हो, इतना निर्दयी कभी नहीं रहा। हुडसन ने तीन शहजादों की लाशों से फिरोजे वाली अंगूठियां निकाली, उनके जड़ाऊ तलवारों पर कब्जा जमाया और उनकी नंगी लाशों को कोतवाली के सामने फेंक दिया गया। सबसे पहले जो जंग आज़ादी की पहली जंग 1857 थी, उसमें शामली से लेकर छोड़ी दरवाजे तक 35,000 उलमा इकराम को यहाँ पर लटकाया गया था। हर पेड़ के ऊपर एक आलिम था और खूनी दरवाज़ा एक ऐसा दरवाज़ा था, इसमें जिंदा लोगों को चुन दिया गया था। यानी कि एक आखिरी सजा ये दी गई थी आज़ादी के मतवालों को कि उनको इस दरवाजे के अंदर चुन दिया गया था और यहाँ पर अंग्रेज़ों के बड़े बड़े ऑफिसर्स ने बैठ कर उस तमाशा को देखा था। आज भी ये दरवाजा अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता का वो किस्सा सुनाता है जिसमें इस दरवाजे पर तीन शहजादों की चीख दबी मिलती है, बर्बर मौत लिखी मिलती है। एक ऐसी मौत जिसने दिल्ली को पीढ़ियों के लिए खौफजदा कर दिया होगा, आवाम की रूह कांप गई होगी, रूहों के किस्से तैरने लगे होंगे। एक दरवाजे की सबसे खौफनाक खूनी हकीकत जाहिर है, जब आप उस जगह पर मौजूद होंगे तो इस खूनी दरवाजे की हकीकत आपके जहन में तैरती रहेगी और जब धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगेगा तो डर आपके अंदर बैठने लगेगा। लेकिन इस खूनी दरवाजे का इतिहास इसके नाम से भी ज्यादा है खौफनाक। क्या वाकई इस खूनी दरवाजे में दबी तीन शहजादों की चीख रूह और काले साए की कहानी बनकर लौटती है? क्या वाकई अंग्रेज हुकूमत की क्रूरता, हजारों देशभक्तों की बेरहम हत्या ने इस दरवाजे को मनहूस बना डाला? इन्हीं सवालों के साथ हमारी तफ्तीश खूनी खूनी दरवाजे के खूनी इतिहास की ओर, जिसमें दिल्ली का रक्त रंजित शासन मिलता है, गद्दारी, अय्याशी और कत्लेआम मिलता है, जिस इतिहास में दिशा बदल कर खड़ा रहा है दिल्ली का खूनी दरवाजा। जिस तरह दिल्ली और दिल्ली के तख्त ने रंग बदले, उसी तरह रंग बदला इस खूनी दरवाजे ने भी। जो दरवाजा शेर शाह सूरी के पुराने किले में दाखिल होने का रास्ता दिखाता था, वो मुगलों के दौर में किले से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने लगा, क्योंकि दरवाजा वही रहा, किला पुराने किले से लाल किला हो गया। अगर कुछ नहीं बदली तो वो थी दरवाजे की खूनी फितरत। जिस दरवाजे पर शेर शाह सूरी चोर डकैतों और दगाबाजों को फांसी पर लटका दिया करता था, वो मुगल काल में सजा देने का सिंबल बन गया।
और कुछ ऐसी ही सजा दी थी जहांगीर ने अपने सेनापति रहीम खां के बेटों को। तख्त की टक्कर में बैरम खां के बेटे रहीम खां ने जहांगीर की जगह खुसरो का साथ दिया। इससे खफा जहांगीर ने रहीम खां के दोनों बेटों का कत्ल कर दिया और उनकी लाश इस खूनी दरवाजे पर लटका दी। जहांगीर ने रहीम खान के दोनों बेटों की यहाँ पर हत्या करवा दी थी और उनकी लाश को इसी जगह पर टांग दिया था। कई कई दिनों तक वो लाश इसी तरह यहाँ पर खूनी दरवाजे पर झूलती रही। लोगों में दहशत था, खौफ था। इलाके के लोग आते जाते गुजरते उस लाश को देखा करते थे, जिसे चील, कौवे और गिद्ध नोचा करते थे। और उसके बाद से ही इलाके के लोगों ने इस लाल दरवाजे का नाम खूनी दरवाजा कर दिया। तब से जो कोई भी यहाँ से आता है, गुजरता है, वो इसे खूनी दरवाजे के नाम से ही जानता है। तब तक इस दरवाजे का नाम लाल दरवाजा ही हुआ करता था, लेकिन जहांगीर की क्रूरता ने इसे नाम दे दिया खूनी दरवाजा। ये खूनी दरवाजा का एक और खूनी इतिहास था जो जहांगीर तक ही नहीं थमा। इस दरवाजे पर औरंगजेब पड़ी। औरंगजेब ने पहले जहां को नजर और फिर अपने बड़े भाई दारा शिकोह को मौत के घाट उतार दिया। इतिहास कहता है कि दारा शिकोह की पूरे शाहजहानाबाद में बेरहमी से पीट पीट कर परेड कराई गई थी। इसके बाद उसका सिर कलम कर दिया गया। दारा शिकोह के धड़ को हुमायूं के मकबरे में दफन किया गया और उसके सिर को इस खूनी दरवाजे पर लटका दिया गया। दारा का कटा सिर कई दिनों तक खूनी दरवाजे पर ही लटकता रहा, फिर उसे कुत्तों के सामने खाने के लिए फेंक दिया गया। दिल्ली के खूनी दरवाजे का इतिहास औरंगजेब काल से भी होकर के गुजरता है। दरअसल दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को नजरबंद जब किया, तब अपने भाई दारा शिकोह का सिर कलम कराकर इसी खूनी दरवाजे पर लटका दिया था। वो हिंदुस्तान का सबसे कठिन दौर था। वो देश के खंड खंड होने का दौर था। दुनिया के सबसे बड़े कत्लेआम का दौर था। उसी दौर में दिल्ली का खूनी दरवाजा एक बार फिर इंसानों के खून से लाल हो उठा था। हिंदुस्तान के बंटवारे का इतिहास कहता है कि 1947 में इंसानों की अदला बदली में दिल्ली का ये आम रास्ता भी खून खराबे का गवाह बना। हजारों लोगों को यहीं पर मौत के घाट उतार दिया गया। आज की तारीख में वो खूनी इतिहास इस दहलीज के बाद बार बार निकलता है। दिल्ली के इस इलाके में रहने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें साए का एहसास हर वक्त होता है, हर दिन होता है। खूनी दरवाजे के पास में ही हमारा जो हॉस्टल है और वहाँ तक भी नेगेटिव वाइब्स फील होती है कभी कभी। जैसे कई बार रात को हम वॉशरूम जाने के लिए जाते हैं तो कई बार क्या होता है, जैसे कुत्ते भौंकते हैं, बिल्लियाँ एकदम से रोने लग जाती है और एकदम से सामने जैसे कबूतर टाइप छा जाता है, वो एकदम से गायब हो जाता है। कुछ ब्लैक, जैसे हमारा थर्ड फ्लोर पे रूम है तो एकदम से कुछ नीचे से आता है सामने की तरफ, यूं मेरी तरफ आता है, फिर वो एकदम से गायब हो जाता है। ऐसी रात को मतलब सोते हुए कूलर चल नहीं रहा, उसके ऊपर वो रखा हुआ है ग्लास, वो एकदम से गिर जाता है। ऐसे कुछ नेगेटिव एनर्जी। हाँ जी, हमारे हॉस्टल में हमने कई बार फील किया है कि कुछ है। हम लोग रात को बाहर कॉरिडोर में कोई घूम भी नहीं रहा होता, फिर भी ऐसा लगता है कि शायद कोई बाहर है। और रात को शायद हम लोग कई बार सो रहे होते तो हमें लगता है कि कुछ है हमारे रूम में, तो फील होता है। और जो मतलब रूममेट्स हैं वो कई बार बोलते हैं कि हमें डर लग रहा है, वो रात में अपने आप ही एकदम से कांप जाते हैं बहुत जल्दी से। वो कई बार ऐसा फील हुआ है। अगर यहाँ से कई बार हम लेट हो जाते हैं तो हम यहाँ से आना प्रेफर नहीं करते, हम दूसरे गेट जाना शुरू। दावों और सवालों की पड़ताल हमें पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के पास ले जाने वाली थी। न्यूज नेशन की टीम को उस खूनी दरवाजे के पास पूरी रात बितानी थी, जिस दरवाजे के पास रात के अंधेरे में टिक पाने की कोई न कर पाता और एक लंबा सा खूनी इतिहास देख चुके उस दरवाजे पर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को कुछ एबनॉर्मल नजर आने वाला था। कुछ दिखाया है कि जैसे कुछ हलचल हुई, जैसे कुछ चीज बदली अभी। तो क्या वाकई खूनी दरवाजे के पास रूहें भटकती हैं? तो क्या वाकई दिल्ली की दहलीज पर काले साए अपनी मौजूदगी का इशारा करते हैं? सुन लिया आपने, इन लड़कियों का दावा है कि इनके हॉस्टल में रात के सन्नाटे में
बहुत कुछ होता है। तो आखिर इसकी हकीकत क्या है? आधी रात में करेंगे पड़ताल। रहस्य अभी जारी है। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। रात होते ही दिल्ली के लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं, खूनी दरवाजे के पास जाने से कतराते हैं। कहते हैं खूनी दरवाजे की दहलीज पर रात के वक्त कोई नहीं टिक पाता, कोई अनजाने सी ताकत उन्हें दूर भगाने लगती है। उसी जगह पर हमारा रियलिटी टेस्ट शुरू हुआ आधी रात के वक्त। आखिर खूनी दरवाजे के पास अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाला वो है कौन? जैसे कई बार रात को हम वॉशरूम जाने के लिए जाते हैं तो कई बार क्या होता है, जैसे कुत्ते भौंकते हैं, बिल्लियां एकदम से रोने लग जाती है, और एकदम से सामने जैसे कबूतर टाइप पे कुछ आ जाता है, वो एकदम से गायब हो जाता है। लोग रात को बाहर कॉरिडोर में कोई घूम भी नहीं रहा होता, फिर भी लगता है कि शायद कोई बाहर है। कूलर पे से गिलासी वैसे गिर जाना, और जैसे बालकनी में हम बैठे होते हैं तो एकदम से कबूतर वगैरह एकदम से उड़कर आए थे। आखिर खूनी दरवाजे के पास संदिग्ध गतिविधियों का अंजाम देने वाला वो कौन है? हमारा थर्ड फ्लोर पे रूम है, तो एकदम से कुछ नीचे से आता है सामने की तरफ, यूं मेरी तरफ आता है, फिर वो एकदम से गायब हो जाता है। मतलब रूममेट्स हैं, कई बार बोलते हैं कि हमें डर लग रहा है, वो रात में अपने आप एकदम से कांप जाते हैं बहुत जल्दी से, वो कई बार ऐसा फील हुआ है। हमारा कॉलेज यहीं पर है पास में, तो हॉस्टल में आती रहती है नेगेटिव वाइब। क्या वाकई रूहें भी हादसे की वजह बनती है? क्या वाकई आत्मा भी ऑटो पलटने की कोशिश कर सकती है? इन सवालों को समझने के लिए न्यूज नेशन ने खूनी दरवाजे के अंधेरे को महसूस करने का फैसला किया। टीम ने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को साथ दिया जो काले साए या नेगेटिव एनर्जी को मीटर से भाप लेने का दावा करते हैं, नेगेटिव एनर्जी से संपर्क साथ लेने का दावा करते हैं। आधी रात का वक्त है और मैं मौजूद हूँ दिल्ली के खूनी दरवाजे पर। आखिर किन वजहों ने इसे हॉन्टेड प्लेस बना दिया, इसे हम साइंटिफिक तरीके से भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि ये सेंस करते हैं कि क्या कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पर हुई, जैसे कोई चीज यहाँ पर आई या गई, कोई भी छोटी मोटी हलचल चाहे वो किसी भी कारण से हो रही है, उसको आराम से टेस्ट करते हैं मेरे इंस्ट्रूमेंट्स, और इस इंस्ट्रूमेंट से हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर कोई ऐसी चीज है या नहीं जो हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ईडीआई मीटर मेरे पास है, एक मेरे पास K2 मीटर है जो कि बाहर के बने हुए हैं, सबके सब इंडिया के नहीं है, और इनसे सब जो है बहुत आराम से हम वाइब्रेशन को चेक कर लेते हैं, चाहे वो वाइब्रेशन बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा हो, और इसी से पता चलता है हमें कि इस जगह की या किसी भी चीज की सच्चाई क्या है। खूनी दरवाजे के पास पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने अपनी मशीनें निकाली और नेगेटिव एनर्जी की मौजूदगी को समझने की कोशिशें शुरू कर दी। देखिए अभी हम यहाँ पे जहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे जो तीनों मीटर हैं ये सब नॉर्मल सा ही बिहेव कर रहे हैं, जबकि एक मीटर में ADI ने ऐसा कुछ दिखाया है कि जैसे कुछ हलचल हुई, जैसे कोई चीज बदली। अभी आप देख रहे हैं ये जो ब्लू लाइट है ये हमेशा जलती नहीं है, लेकिन तभी जलती है जब कुछ ना कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है। अभी देखिए अब बंद हो गई है अपने आप ऑटोमेटिकली, और इस पर पूरा कवर चढ़ा हुआ है, तो इन्हीं से हम चेक करेंगे कि आगे चल के यहाँ पर हमें इस खूनी दरवाजा के आसपास ये दोबारा भी अभी ये ब्लू लाइट ब्लिंक हो रही है, मतलब कुछ है, ऐसा कुछ है जो कि यहाँ पर मूवमेंट जो चल रहा है, ऐसी चीजें हैं जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो क्या चीज है इसका तो अभी जो है हम बता नहीं पाएंगे, थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम इसमें घूमेंगे तो पता चलेगा, लेकिन इसने कुछ ऐसा इंडिकेशन दिया है कि आखिर यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी जरूर है, कोई ऐसे वाइब्रेशन जरूर है जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहे। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की ये जांच हमें उस खूनी दरवाजे की दरारों तक, जिसका इतिहास बेहद खूनी रहा है और वर्तमान दरवाजे बेहद करीब आ चुका हूँ, और बार बार इस दरवाजे के नजदीक पहुँचने के जो ऊपर है ब्लू वो ब्लिंक हो रही है, और इस जगह पर काफी देर तक ये जल बुत रही है, ये बेहद करीब है, ये ठीक बगल में अब मेरे खूनी दरवाजा है। इसका इतिहास अपने आप में कई कहानियों से, कई कालों से होकर के गुजरता है, चाहे 1857 की क्रांति हो, मुगल काल हो, अंग्रेजों की हुकूमत हो, बहादुर शाह जफर के बेटों और पोतों की भी हत्या यहां पर करवाई गई थी, विलियम हडसन ने की थी, यहीं पर गोली मारी थी, और इस जगह पर लगातार ब्लू लाइट ब्लिंक हो रही है, लेकिन हम एक्सपर्ट के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं इसका मतलब क्या है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लगातार स्टैटिक ब्लू लाइट जल रही है, इसके क्या मायने हैं? अब जैसे हमने अब देखा आपने अभी ये ब्लू लाइट
अब हम जरा सा इससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कोई चीज है या नहीं। बताइए आमतौर पर इतना ज्यादा ब्लू लाइट आपने नहीं चलती? नहीं, ऐसा नहीं होता कि ये ब्लू लाइट ऐसे बिना किसी रीजन के जल जाए। आखिर कोई ना कोई तो कारण है अभिषेक जी जिसकी वजह से ये लाइट जल रही है। आप हम ये भी इंस्ट्रूमेंट के पास हाथ में उसको लेके घूम रहे हैं हम लोग, और ये इंडिकेशन नहीं आया, जो जगह खाली थी वहाँ पर कहीं नहीं आया, लेकिन यहाँ पर ये इंडिकेशन आ रहा है जैसे कुछ हलचल हुई, जैसे कुछ चीज बदली है भी। एक्सपर्ट दावा कर रहे थे कि उनकी मशीनें बता रही थी कि इस भूत या ठिकाने पर सब कुछ ठीक नहीं है। मशीनों से नेगेटिव एनर्जी टकरा रही थी, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थी। हम क्या करते हैं कि इन लाइट्स के जरिए इनसे कम्युनिकेट भी करते हैं कि अगर जैसे हम ये क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी अबनॉर्मल चीज है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो प्लीज ब्लू लाइट से ब्लिंक करें, और अगर हमारे कहने से लाइट ब्लिंक करती है इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है। अभी ये जल बुझ रही है? हाँ, अभी यहाँ पर ये जल बुझ रही है, अभी फिर उसके बाद चली गई। अगेन हम क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए कोई चीज है जो अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रही है, असल में क्या चीज है? सिर्फ वेदर है या आसपास की डिस्टर्बेंस है या कुछ भी है? क्या यहाँ पर कोई ऐसी अबनॉर्मल एनर्जी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है? इफ यस, तो अपनी ब्लू लाइट से हमें ब्लिंक करके दिखाइए कि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये देखिए एक बार दो बार जो इसने ब्लिंक हुआ, अब ये स्टैटिक यहाँ पर फिर से हो गई है। फिर रिक्वेस्ट करते हैं उसी एनर्जी से जो यहाँ पर थी कि अगर यहाँ पर कोई ऐसी अबनॉर्मल एनर्जी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो अपनी ब्लू लाइट से हमें इस मीटर में ब्लिंक करके दिखाइए। दूसरी लाइट ने ब्लिंक किया। यही हमारा संवाद करने का एक तरीका है। अभी देखिए वो लाइट चली गया, लेकिन ब्लिंक वो भी कर रही है। हो सकता है यहाँ पर एक एनर्जी ना हो, दो एनर्जी हो यहाँ पर। रूहों से संपर्क करने का ये दावा सदियों से चला आ रहा है, और एक बार फिर उसी दावे को आगे बढ़ा रहे थे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। इसका इतिहास ही बताता है, मैं आपको थोड़ा नजदीक से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये खूनी दरवाजे का ये अपना इतिहास है। कैप्टन हडसन ने यहाँ पर जो बहादुर शाह जफर के बेटे हैं और पोते, उनकी हत्या करवाई थी 1857 की ये बात है, और उसके बाद से ही यहाँ पर जो लोग हैं आने जाने से कतराने लगे, इलाकों के लोगों में दहशत फैल गई। इसका मतलब कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर जरूर है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये दिल्ली का वो हिस्सा है जहाँ से 2400 घंटे इंसानों का गुजरना जारी रहता है। तेज रफ्तार गाड़ियाँ शोर मचाती भागती हैं, तो इस दरवाजे पर कभी सन्नाटे का नामो निशान नहीं होता। और उसी भूतिया ठिकाने पर न्यूज नेशन ना सिर्फ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के साथ उतरा था, बल्कि साथ उतरा था मनोवैज्ञानिक के। मकसद था ये समझ पाना कि आखिर किसी हॉन्टेड प्लेस में दिमाग क्या कहता है। जिन काले सायों को किसी ने देखा ही नहीं, उनसे इंसानों को डर क्यों लगता है? भूत प्रेत के किस्सों का आधार क्या होता है? एक्सपर्ट ने कहा यहाँ कोई काला साया नहीं है। फिर एक्सपर्ट ने ही कहा उन्हें यहाँ किसी काले साये का वजूद महसूस हो रहा है। तो क्या रूहें बात भी किया करती हैं? देखिए इस रियलिटी टेस्ट में क्या हुआ आगे। एक दावा जो कह रहा था कि खूनी दरवाजे में सब कुछ ठीक नहीं है, एक दावा जो कह रहा था कि खूनी दरवाजे में दो रूहें दस्तक दे रही हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। उन्हीं दावों के साथ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की जांच आगे बढ़ी, जो जांच कह रही थी कि यहाँ के ईंट पत्थर ही नहीं, जमीन भी अबनॉर्मल होने का संकेत दे रही है। खूनी दरवाजे के पिछले हिस्से की तरफ अब हम अपनी पड़ताल को आगे बढ़ा रहे हैं, और इन तमाम मीटर के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई यहाँ पर आज भी कोई ऐसी परछाई, काला साया या नेगेटिव वाइब्स मौजूद है। तो इसको इस मशीन के जरिए समझते हैं। हमारे साथ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी लगातार बने हुए हैं। इस जगह पर ये संदेह हो रहा है इस मीटर के जरिए कि जमीन की तरफ कुछ ऐसी सिग्नल मिल रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं इसमें से, इसको जानने की समझने की कोशिश करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ पर जो ऐसा कुछ इंडिकेशन मिला था जैसे कुछ अबनॉर्मल था अर्थ में, लेकिन वो अभी एक सेकंड के लिए आया था और उसके बाद में अब नहीं है। हो सकता है कोई टेम्परेरी ऐसा वाइब्रेशन हो, लेकिन अभी थोड़ा सा आता है यहाँ पर कभी कभी जो है ये जो रेड इंडिकेशन होता है, एक साथ दो तीन लाइट जलती हैं, ये शो करती हैं कि कुछ ना कुछ तो था।
हाँ यहाँ पर ऐसा ऐसा लग रहा है मुझे कि यहाँ पर जो है कुछ ऐसी एनर्जी है जिसको कि हम कह सकते हैं कि नेगेटिव वाइब्रेशन है। कंटिन्यू अभी येलो से फिर आ रही है और आ रही है, इससे ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई टेम्परेरी चीज हो जो परमानेंट नहीं है, बिकॉज अगर ये परमानेंट होती तो ये रेड लाइट जलती रहती। इसका मतलब कोई हार्ड वाइब्रेशन यहाँ पर तो है, ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे कुछ नहीं है। हार्ड वाइब्रेशंस हैं, वो क्या है ये तो मेरे लिए अभी कहना मुश्किल है। इस मीटर से अगर रेड सिग्नल दिखाई देता है तो मतलब हार्ड वाइब्रेशन यहाँ पर है। ऐसे वाइब्रेशन हैं जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं है, जिसे हम कह सकते हैं कि कोई सफोकेटेड एनर्जी हो या कंजेशन कहीं पर होता है। खूनी दरवाजे की तफ्तीश दरवाजे के पिछले हिस्से में घूमी और इसी के साथ पल पल बदलता गया मनहूस दरवाजे का मिजाज भी। यहाँ पर आके थोड़े से नॉर्मल हो गए, जैसा इसने कुछ यहाँ पर एबनॉर्मल नहीं शो नहीं किया। येलो लाइट जो जल जाती है इसमें कई बार इसमें जलती है, इसमें जलती है, ये कभी कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भी होती है। अब मैं ठीक बिल्कुल पिछले हिस्से में मौजूद हूँ खूनी दरवाजे के। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ की जमीनों पर या फिर ऊपरी हिस्सों पर हमको ये समझाइए कि आखिर किस तरह की वाइब्रेशन यहाँ पर मिल रही है। नहीं, यहाँ पर हमें कुछ ऐसे वाइब्रेशन नहीं मिल रहे हैं जितने नेगेटिव वाइब्रेशन हमें इससे पहले जहाँ पर थे उस जगह पर मिल रहे थे, और यहाँ पर कुछ नॉर्मल सा ही दिखाई दे रहा है। एक तो क्या होता है कि अभिषेक जी, समय जब गुजरता रहता है समय के साथ साथ बहुत सी चीज़ें अपने आप फेडअप हो जाती हैं, तो जो चीज़ें फेड हो जाती हैं तो उसका जो है बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस नहीं रहता। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं जिसको कहते हैं इनविजिबल वाइब्रेशंस, ये अपनी प्रेजेंस काफ़ी लंबे समय तक रखती हैं। तो अभी ये सेंसर ये बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो आखिर है ऐसा जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये खूनी दरवाजे के आसपास की जांच का एक पहलू था और इस जांच में इंतजार कर रहा था मनोविज्ञान। हमारे साथ एक भूतहा ठिकाने में मनोवैज्ञानिक भी थी जिनका विज्ञान इस नेगेटिव एनर्जी की वजह बता रहा था। अब आधी रात का वक्त है लेकिन मेरे दोनों तरफ जो सड़कें हैं वहां पर तेज रफ्तार में गाड़ियां अभी भी दौड़ रही, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इतनी चहल पहल वाली जगह पर आने से भी आखिर लोग डरते क्यों हैं, डर का मनोविज्ञान क्या कहता है। हम बात करते हैं डॉक्टर निशा खन्ना से, साइकियाट्रिस्ट हैं। इस जगह पर हम लोग पिछले कई घंटों से मौजूद हैं, यहाँ पर कई किस्से कहानियां भी हैं जो कि लोगों को खौफजदा करती आई हैं जमाने से, लेकिन आखिर इस जगह पर मैं इतनी देर से हूं, मुझे इस तरह का डर महसूस नहीं होता, लेकिन जो लोग आते हैं आखिर डरते क्यों हैं, किस तरह का खौफ उनके मन में रहता है। देखिए मोस्टली अगर आप डर के बारे में बात करें, फेयर के बारे में बात करें, मैंने हमेशा जब भी ऐसे प्लेसेस पर हम लोग जाते हैं तो हम महसूस करते हैं हमारी खुद की साइकी क्या है। मोस्टली अगर इनकी हिस्ट्रीज में जाएं, जैसे बहादुर शाह जफर के बेटों को या औरंगजेब के भाई को यहाँ पर लटका दिया गया था, अगर उस हिस्ट्री पर जाए तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो हिस्ट्री में है कि उसके सर टांग दिए गए, तो एक फेयर का माहौल था, डर का माहौल था। और ऐसे समय में डर के माहौल में मोस्टली हिंदुस्तान की अगर बात करें तो लोग इन्फ्लुएंस और प्रेशर में आके वो चीजें फॉलो करते हैं। अगर हम हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं भी जानते हैं, अगर कोई कह रहा है तो हम उस चीजों में बिलीव करते हैं, क्योंकि इमोशनली कहीं ना कहीं हम वीक होते हैं, हम अपने आप में भरोसा नहीं करते, हम यही सोचते हैं कि जो सामने वाला कह रहा है वो बात सही है। अगर आप इस हॉन्टेड प्लेस की बात करें, जैसे आप और हम सब लोग कई घंटों से घूम रहे हैं, हमें कुछ भी ऐसा अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि हम इस प्लेस को एज इट इज नेचुरल मान रहे हैं। दोनों तरफ से ट्रैफिक आ और जा रहा है, पूरी ग्रीनरी है यहाँ पर, सिर्फ ये दरवाजा बंद है। और इसकी हिस्ट्री से अगर हम इसको कोरिलेट करें तो शायद कुछ वाइब्रेशंस हमें महसूस हो, अदरवाइज इस प्लेस में ऐसी कोई वाइब्रेशंस हमें महसूस नहीं होंगी। तो आखिर एक चलती सड़क के किनारे कोई जगह भूतहा कैसे हो सकती है? क्या काले घने अंधेरे के बिना भी कोई कोना काले साए की कहानी से लिपटा हो सकता है? आखिर इसकी वजह है क्या? आखिर इसकी हकीकत क्या है? अभी हम आपको लेकर चलेंगे इस चहल पहल से थोड़ी दूर, सन्नाटे और वीराने में। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। एक दरवाजा, दोनों तरफ सरपट भागती गाड़ियों का शोर। इस रफ्तार में कोई खूनी दरवाजे की दहलीज पर झांकने तक की हिम्मत नहीं करता, लेकिन उसी काली रात में हमारी तफ्तीश आगे बढ़ी और हम पहुंच गए चहल पहल से बेहद दूर। तो आखिर वो कौन है जो एक हॉस्टल में उथल पुथल मचा जाता है
रूलर चल नहीं रहा, उसके ऊपर वो रखा हुआ है ग्लास, वो एकदम से गिर जाता है। खूनी दरवाजे के पास में ही हमारा जो हॉस्टल है और वहाँ तक भी नेगेटिव वाइब्स फील होती है कभी कभी। मैं लगता है कि कुछ है हमारे रूम में, ऐसा कई बार फील होता है। तो आखिर वो कौन है जो रात के अंधेरे में लोगों को डरा जाता है? तो हम लोग रात को बाहर कॉरिडोर में कोई घूम भी नहीं रहा होता, फिर भी लगता है कि शायद कोई बाहर है। दम से सामने जैसे कबूतर टाइप में कुछ आ जाता है, वो एकदम से गायब हो जाता है। मेट साहब कई बार बोलते हैं कि हमें डर लग रहा है, वो रात में अपने आप ही एकदम से कांप जाते हैं बहुत जल्दी से, वो कई बार ऐसा फील हुआ है। आखिर वो मन का वहम है या फिर कोई काला साया है? इन्हीं सवालों के पड़ताल में न्यूज नेशन की टीम ने चहल पहल वाले इलाके से वीरानी का रुख किया। आधी रात से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है लेकिन हमारी पड़ताल अभी भी चल रही है। खूनी दरवाजे के आसपास के इलाकों में अब हम मौजूद हैं और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं साइंटिफिक तरीके से कि क्या वाकई जिस काले साए की बात लोग करते आए हैं कई जमानों से, उसमें कितनी सच्चाई है। इन मीटर के जरिए हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि खूनी दरवाजा या उसके आसपास के इलाकों में कुछ इस तरह की नेगेटिव वाइब्स मौजूद हैं या नहीं। नहीं, उससे जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे वो जो नेगेटिव वाइब्रेशंस थे वो शांत होते जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा मुझे कुछ एबनॉर्मल फीलिंग नहीं आ रही है देखिए, लेकिन एक मेरे K2 मीटर में कुछ इंडिकेशन आ रहा है जो ये बता रहा है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हल्का फुल्का है। देखिए अगर हमने भी यहाँ एंटर भी किया था तो लोमड़ी कुत्ते उन आवाजों से एक साउंड का अपना एक इम्पैक्ट होता है, और डेफिनेटली रात के सन्नाटे में अगर आप हल्का सा भी ऊंची आवाज में बोलते भी हैं तो आपकी गूंज होती है। तो कहीं ना कहीं मैंने जैसे पहले भी आपको कहा है कि प्रेशर में अपने खुद के फेयर्स एंड इनसिक्योरिटीज के चलते भी ऐसे सुनसान इलाकों पर लोगों को अपना बिलीफ सिस्टम, क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हमें अपने पास्ट में अपने माँ बाप से, भाई बहनों से या सोसाइटी से पता चला है कि ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस पर क्या क्या किस्से हुए थे, उनका इम्पैक्ट हमारी साइकी पर पड़ता है। एक हकीकत ये भी है कि समाज का जो तबका भूतों के अस्तित्व को खारिज करता है वो भी काले साए के डर से बच नहीं पाता। इंग्लैंड के एक सीनियर रिसर्च फेलो जॉय निकेल ने इस डर को डिकोड करने का दावा किया और अपने नतीजे में कहा कि कई बार इंसान जागते हुए भी खौफनाक सपने देखता है। उसे कभी एलियन नजर आते हैं तो कभी भूत प्रेत दिखा करते हैं। इसी को जागृत स्वप्न कहा जाता है। इंसान की ये एक ऐसी अवस्था है जब दिमाग जाग रहा होता है और शरीर सो रहा होता है। ये एक तरह का स्लीप पैरालिसिस होता है। विज्ञान कहता है कि किसी को अगर कोई काला साया नजर आता है तो ये दिमाग की महज एक ट्रिक है। दिमाग में बनी एक छाया वास्तविक तस्वीर पर सुपर इम्पोज हो जाती है और दिमाग में बनी वही तस्वीर काला साया बन जाती है। विज्ञान के इन तमाम सवालों के बावजूद हॉन्टेड प्लेस के कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं। कोई नहीं जानता कि किसी वीराने में इंसान का दिमाग अलग तरह का व्यवहार क्यों करता है। कोई नहीं जानता कि भूतहा ठिकानों पर इंसान का दिमाग इंसान को इंसोमनिया की ओर क्यों ले जाता है। कोई नहीं जानता कि इस खूनी दरवाजे पर लटके रहे कटे सिर की कहानी इंसान के दिमाग में एक खौफ बनकर क्यों उतरती है। उसकी रूह के किस्से सदियों तक डराते क्यों रहते हैं। लेकिन एक सच्चाई जरूर है, इस दरवाजे से जुड़ा इतिहास उद्भत हो सकता है, डरावना भी हो सकता है, लेकिन फुदा नहीं हो सकता, हॉन्टेड नहीं हो सकता। तो हमारे ही मन में रोशनी है, हमारे ही मन में अंधेरा भी, लेकिन दिमाग का विज्ञान कहता है कि हमें मन के उसी कोने को खोलना होगा जिस मन को डर नहीं लगता। आज के इस खास शो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।